हाई एवरीवन, दिस इज मी जॉली यादव एंड यू आर वाचिंग रियलिटी 360 डिग्री। गाइज, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नया प्रोजेक्ट जो कि एक नई लोकेशन पर लोकेटेड है। मैं आपको प्रोजेक्ट पर लेकर जाऊँ, उससे पहले आप ये देखिए, पीछे है योटा। दिस इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर आईटी पार्क एंड इससे सिर्फ 2 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर ही रहेगा हमारा आज का प्रोजेक्ट। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम है फ्यूजन द ब्रूक। Guys, we have reached our project Fusion The Brook, जिसकी location है Sector 12 Noida Extension। यहाँ से अगर मैं connectivity की बात करूँ तो project से आपको NH24, FNG Expressway, Yamuna Expressway, God City सभी जगह का बहुत ही easy access मिल जाता है। ये सब के सब आपके hardly 5 मिनट के driving distance पर रहेंगे। अब मैं project के nearby hotspots and places की भी बात करूँ तो सभी major schools, colleges, hospitals, malls सब प्रोजेक्ट के नियर बाई हैं, जैसे कि DPS, रियान इंटरनेशनल स्कूल, ये सब के सब आपके हार्डली यहाँ से 3 से 4 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। साथ ही साथ नॉलेज पार्क प्रोजेक्ट के बिल्कुल ही एडजॉइंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस की तो ABS इंजीनियरिंग कॉलेज, गलगोटियाज कॉलेज, ये सब के सब भी आपके हार्डली यहाँ से 3 से 4 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। बात करूं अगर मैं शॉपिंग मॉल्स की तो गौर सिटी मॉल जो कि यहां का एक बहुत ही फेमस मॉल है, वो भी प्रोजेक्ट से आपका हार्डली 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। साथ ही साथ फ्यूजन बिल्डर के खुद का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है, दैट इज यूफेरिया, वो भी यहां से हार्डली 2 से 3 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर नेबरहुड मिल जाता है, कनेक्टिविटी आपको प्रोजेक्ट से बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल जाती है। एंड गाइज, जो हमारा आज का प्रोजेक्ट है फ्यूजन ब्रूक, अब मैंने आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है। अब मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाती हूँ और आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। फ्यूजन द ब्रूक इज अ प्रोजेक्ट बाय फ्यूजन ग्रुप। फ्यूजन ग्रुप इज अ रिनाउंड बिल्डर एंड पिछले 12 साल से रियल एस्टेट के मार्केट में है। देयर डिलीवर्ड प्रोजेक्ट इंक्लूड्स फ्यूजन होम्स एंड फ्रेंच अपार्टमेंट्स। एंटायर प्रोजेक्ट इज स्प्रेड ओवर इन 5 acres ऑफ एरिया एंड कंसिस्ट ऑफ 75% ओपन कम ग्रीन एरिया। प्रोजेक्ट में टोटल 7 टावर्स हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 900 यूनिट्स अवेलेबल हैं। बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन S+24 कॉन्सेप्ट एंड हैज 2, 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स। प्रोजेक्ट में खुद का कमर्शियल एरिया भी रहेगा जहां 60 डेली नीड्स की शॉप्स अवेलेबल रहेंगी। फ्यूजन द ब्रूक इज एन अफोर्डेबल प्रॉपर्टी रेसिडेंस, इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद MyOne फ्रेमवर्क। प्रोजेक्ट के सामने 350 मीटर का फ्रंट है। Internal roads are 24 feet wide. Parking is available in basement as well as stilt. Project will be delivered completely by 2029. Fusion the Brook mein sabhi amenities and facilities bhi available rahengi. Clubhouse is in the size of 15,000 square feet that will have indoor games, library, gym, co-working space, guest rooms, banquet hall, table tennis, children's play area, open theater, card room. Also, project has dedicated space for outdoor games and parks. Other amenities includes sewage treatment plant, lift provision, visitors parking, intercom facility, proper internal street lights, 24/7 water supply. Guys, this is the lobby area of the apartment. एक फ्लोर पर टोटल 6 अपार्टमेंट्स रहेंगे जिन्हें कि आप 3 लिफ्ट एंड 1 स्टेयरकेस के साथ एक्सेस कर सकते हैं। एंड आज जो हम अपार्टमेंट देखेंगे ये एक 3 BHK अपार्टमेंट है जिसका साइज रहेगा 1535 square feet। ये एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट है, सो लेट्स गो इनसाइड। एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही रहेगा आपका लिविंग एरिया, सो दिस इज योर वेरी स्पेशियस लिविंग एरिया। यहाँ पर आपको बालकनी का एक्सेस भी मिल रहा है, साथ ही साथ लिविंग एरिया के बिल्कुल ही एडजॉइंट रहेगा आपका डाइनिंग एरिया, सो दिस इज योर डाइनिंग एरिया। एंड डाइनिंग एरिया के ऑपोजिट यहाँ पे मिल रही है आपको आपकी किचन, ये आपकी अनफर्निश्ड किचन रहेगी। एंड किचन के साथ साथ यहाँ पर आपको यूटिलिटी एरिया का एक्सेस भी मिल रहा है, बहुत ही स्पेशियस साइज में आपको यहाँ पे यूटिलिटी एरिया मिल रहा है। एंड गाइज, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ रूम्स की तरफ। एंड दिस इज योर बेडरूम नंबर 1, यहाँ पर आपको एक अटैच्ड वॉशरूम एंड आपको बालकनी का एक्सेस मिल रहा है। एंड गाइज, दिस इज योर बेडरूम नंबर 2, यहाँ पर भी आपको एक अटैच्ड वॉशरूम एंड बालकनी का एक्सेस मिलता है। एंड गाइज, दिस इज योर बेडरूम नंबर 3, यहाँ पर आपको एक प्राइवेट बालकनी मिल रही है एंड एक आपको कॉमन वॉशरूम। मेजर USPs ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स फ्यूजन द ब्रूक इज सिचुएटेड इन अ लो डेंसिटी एरिया, देयर आर मेनी रेनाउंड प्रोजेक्ट इन द नेबरहुड। प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन अ 3-साइड ओपन प्लॉट, देयर इज अबंडेंस ऑफ ग्रीनरी इनसाइड एज वेल एज अराउंड द प्रोजेक्ट। Construction quality is excellent,
अपार्टमेंट्स आर स्पेशियस एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा, हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं बात करूं अपने, तो मुझे ये अपार्टमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे ये प्रोजेक्ट ओवरऑल बहुत ज्यादा पसंद आया है। सबसे मेन थिंग इसकी ये है कि ये एक लो डेंसिटी एरिया में सिचुएटेड है। आसपास की भी हम बात करें तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ यहाँ पर आसपास हैं, दैट मीन्स यहाँ पर लोग भी रह रहे हैं। 3 साइड ओपन प्लॉट पर ये आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है एंड प्रोजेक्ट के सामने आपको 350 मीटर का फ्रंट मिल जाता है। विद दैट प्रोजेक्ट में ग्रीन कॉन्सेप्ट का फॉलो किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। एंड अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की भी बात करूँ तो यहाँ पर माइवान फ्रेमवर्क से कंस्ट्रक्शन की गई है, दैट मीन्स आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर बिल्कुल अश्योर्ड हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, दैट मीन्स ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। एंड अगर आप यहाँ पर अपार्टमेंट लेते हैं, यहाँ पर आप अपना घर लेते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ फायदे में रहेंगे। और घर कैसे लेना है, घर लेने के लिए आपको सिंपली स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करना है, उसके बाद हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।